जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी या पीडीए परिवार ही क्यों ज्वाइन करें, क्या इसी खासियत है इस परिवार के अंदर कि यहाँ पर आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्या यहाँ वहाँ पर वाकई में यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के बाद में सक्सेस मिलती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब और क्या क्या यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटी है, तो मैं हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। मैं सैनिक विजय यादव, भूतपूर्व सैनिक, मराठा रेजिमेंट से हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये है पीडीए का खूनी नाला, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कमांडो को पूरी तरीके से यहाँ पर मजबूत किया जाता है शारीरिक तौर पर यहाँ पर। और ये खूनी नाला नहीं है, ये पीडीए का खूनी नाला है जी हाँ। तो पिछले जो अभी जो थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हम पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं यहाँ पर कि क्यों ये हमारी एकेडमी है, वो नंबर वन है एक उस एस्पिरेंट के लिए जो कि आर्मी की चाहत रखता है, जो वर्दी की चाहत रखता है। हमारा यहाँ पर ध्येय वाक्य है जिद, गुस्सा, अनुशासन, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर। और सारे इक्विपमेंट्स, जितने इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप लगे देख रहे हैं यहाँ पर, या यूं कहें हम, हमारे बच्चे इसे एक मजाक में आपस में कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जिम, जो कि आप देख सकते हैं सर्वधम स्थल से लेकर लास्ट तक है वहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर जानेंगे, मेरे कुछ बच्चे हैं जो कि अभी रायपुर एआरओ की भर्ती आने वाली है आगे आगामी कुछ ही दिनों में, तो हमसे उससे जानेंगे, काफ़ी पुराने भी बच्चे हैं तो उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर वो दिन रहे, कैसे यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस किया और कैसे उन्होंने सारे यहाँ पर सारी चीज़ों को अपनी तैयारी को अच्छा बनाया। तो जानते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप। मैं रितेश तिवारी, कबीरधाम जिले से, छत्तीसगढ़, जिसको कवर्धा भी कहा जाता है। मैं 4 जुलाई 2021 को यहाँ आया, यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। और पहले मैं घर पर जाकर तैयारी करता था सर, लेकिन एक टीचर के कमी के कारण मैं पिछली भर्तियों पे रह गया था। तो एक टीचर के अभाव और यहाँ की जो हमारी फीस है, जैसे मैं बाहर बहुत सारी एकेडमी देखा था, रायपुर की डिफेंस एकेडमी और राजस्थान की जो भी एकेडमी, सबका फीस। चलो नाम से कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब आप काफी जगह रहे हैं, वाकई में लोग सर्च करते हैं। हाँ सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर्च नहीं करते, सब जगह सर्च करके ही आते हैं। बिल्कुल। और हम नंबर वन इसलिए बोल देते हैं, कई बार अतिशयोक्ति भी हो जाती है कई बार कि भाई आप अपने आप को ही नंबर वन बोल रहे हो, क्या बात है भाई, ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग। तो सबसे बड़े, मतलब सबसे मुझे लगता है कि नंबर वन इसलिए कि मैं पैसा, बच्चों का पैसा बचा रहा हूँ। बिल्कुल सर, जैसे सही बात है क्या आपसे कुछ, पैसा ज्यादा तो नहीं लिया मैंने, तो फीस तो जैसे कि अभी 2850 रुपए अभी है, और जो पहले आपने फीस पे करी होगी वो 2500 रुपए कितना किया था, और क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन कितना रुपए का हुआ और क्या क्या मिला आपको रजिस्ट्रेशन में? 2950 रुपए रजिस्ट्रेशन था, जिसमें सर ट्रैक सूट, बीप्स, बैग, शूज मिला था सर। तो ये जो बैग वगैरह जो सारी चीजें आप बैग में करते क्या है, ऐसे जो जनरली आपके पास में बैग है तो बैग में आपको सारी चीजें आप रखते हो सारी यहाँ पर, क्या क्या आदेश है बैग के लिए आपके पास में, क्या आदेश है सर? इस बैग में तेल रखते हैं सबसे पहले, पानी बॉटल, डाइट और कॉपी पेन। जो हमारा भाचा है, ये भाचा थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अपने आपको कैमरे के सामने कभी आते नहीं है, ये हमारे थोड़ा शर्मीले बंदे हैं। और छत्तीसगढ़ के जो बंदे होते हैं वो काम करने में, मेहनत करने में सबसे आगे रहते हैं, और ऐसे कैमरा मैन जब आता था तो वो शर्मा जाते हैं वहाँ पर। हमारा एक ही बंदा है कि NCC सर्टिफिकेट है, और जब जिस दिन ये काफ़ी मेहनत करता है, और मुझे लगता है कि जिस दिन ये कुछ चीज़ें करेगा, फिजिकल पास करेगा, उस दिन हम हमारी एकेडमी में एक बड़ा सा यहाँ पर धूमधाम से उसका सेलिब्रेशन करेंगे। बट वो दिन तुम्हें उस दिन को लाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये लोग, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जरूर ढूंढेंगे, तो अपना नाम जल्दी से एक बार बता दें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, ताकि आपकी फोटो उस दिन, जिस दिन भर्ती हो उस दिन जरूर बता दें वहाँ पर। जय साथियों, मेरा नाम आकाश कुमार पटेल है, मैं जंजीर चांपा जिले से रहने वाला हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 28 अगस्त को हुआ था, और मेरे को यहाँ आए हुए 3 महीने हो चुका है। इन दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार बरेट, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ जंजीर चांपा जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा यहाँ पर फर्स्ट टाइमिंग था 6:13 सर, जिसमें मैं तरीका 4 राउंड भी दौड़ नहीं पाता, तो अभी मेरा फिलहाल में टाइमिंग है सर 5:26। तो 5:26 से ये 5:26 बोला, और आपको इंटरनेट पे डर नहीं लगता? जी सर, बिल्कुल नहीं सर। यूट्यूब पे रितेश आपको 4:10 से डर नहीं लगता आपको कि 4:10 वाला भी बंदा भर्ती रैली में आएगा? पहले जब हम तैयारी करते थे हमको लगता था सर, जब एकेडमी में, हमारी एकेडमी बहुत सारे ट्रायल हुए, बहुत सारे बाहर से लोग आए, सबने अपने, वो भी तो हुआ होगा कि कई भर्ती रैली हुई है, तो उसमें कौन कौन बंदे पास हुए थोड़ा सा वो भी मुझे आपको बता। वही बोल रहा था सर रिसेंटली कि हाँ, जो भी ट्रायल हुआ हमने पहले अपनी नजरों से देखा,
फिर हमने जब सुना कि वीडियो जितनी भी वायरल हुई है कि 440 वाला बंदा फेल किसी एरो में और बहुत सारे एरो के जितनी भी वीडियो वायरल हुई ये टाइमिंग 420 430 440 वो फेल, हमारी एकेडमी के 540 525 वो तो और कम वाले की बात ही नहीं करना, 555 वाला भी बंदा ने एक्सीलेंट मारा है। तो सर तैयारी मायने होती है, टाइमिंग नहीं, तैयारी मायने होती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ग्राउंड वगैरह है ये लोग जो है यूट्यूब पे पेमेंट सेमेंट के लिए, मुझे लगता है कि हाँ आप बताओ मुझे कि आपने कभी ग्राउंड यहाँ पर नापा ही होगा, जैसे आपके साथी ने नापा ही होगा किसी ने, मैं देखता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं मोबाइल लेके कोई ना कोई चलता रहता है यहाँ पर, किसी ने आपको ग्राउंड नापते हुए रोका है यहाँ पर किसी ने? किसी ने रोका? तो आपको भर्ती रैली में भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको आपके गुरु पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको जो गुरु ने सही नाप कर उसको यहाँ पर बनाया है, कहीं ना कहीं ये और थोड़ा सा बढ़ा भी देता है कि भैया चलो इसको और थोड़ा सा और भाग लो वहाँ पर। तो मुझे कहीं यूट्यूब से नहीं, मुझे यूट्यूब से फेमस नहीं होना, मुझे तुम्हारे तुमको वायरल करना है, मुझे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे परिवार में, मुझे ऐसा लगता है कि आप आपकी जिंदगी में आपके परिवार में वायरल हो जाओगे तो बात ही उजाला हो जाएगी वहाँ पर, उससे क्या बात होगी वहाँ पर। और बाकी जिंदगी में मैं कहीं ना कहीं वायरल हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कम बता के ये बता के वो बता के कर लूँ तो क्या क्या ही तो मतलब रहेगा उस चीज़ का। तो मुझे यहाँ पर मुझे बताया कि यहाँ पर आप जैसे रहने आए यहाँ पर तो 2500 रुपये में, मतलब लोग बोलते हैं कि 2500 रुपये में जो सुविधा है वो बड़ी ऐसी रहेंगी, बोले कि यार ऐसे ही कुछ तो भी वहाँ पे चलाया होगा इन्होंने वहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। मुझे तो कभी कमी नहीं लगी सर, मैं जैसे मुझे सभी एक एक करके बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर आ गए हैं हम और कुछ बोल ना पाए, तो वहाँ पर थोड़ा सा बताएं मुझे। यहाँ पर यहाँ की सुविधाएं ऐसी है कि 2500 रुपये भी बहुत कम है यहाँ के हिसाब से, यहाँ खाने की सुविधा तो अच्छी है, जिम वगैरह हर चीज़ दे के रखा है, डिसिप्लिन भी एकदम फौजियों जैसा है हमारा। तो ये कब पता लगेगा उसको फौजी जैसा है, जो यहाँ आएगा क्या? यस सर, जब वो आगे देखना पड़ेगा ना, तो ट्रायल में जरूर आ जाए। यस सर, यस सर। और यहाँ का सबसे बड़ा रूल है सर, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। सबसे बड़ी बात सर, हमारी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज्यादा हमारे टीचर हमारे पीछे रहते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है सर। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे कहीं हमने एक स्टूडेंट की लाइफ में मैंने जो जहाँ तक मेरी लाइफ रही है स्टूडेंट की, मैंने भी फौज की भर्तियाँ देखी, दो भर्ती में फेल भी हुआ हूँ मैं, आपको बताता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है समय होता है। एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या पृथ्वी डिफेंस एकेडमी ने आपका समय कभी खराब किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। जब हम अपना समय खराब करते तो हमारे पीछे पड़ गए उस समय को और अच्छे तरीके से बदलने वाला। तो कुछ कोई एग्जांपल दो तो, ताकि जो बच्चे आना चाहते हैं यहाँ पर, जो छत्तीसगढ़ से आना चाहते हैं, पहले हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हमारी फिजिकल हम बस उसी पे ध्यान देते थे। एक बार टेस्ट हुआ, अकेडमी ने जबरदस्ती हमसे टेस्ट करवाया और हमारा रिजल्ट दिखाया कि हम किस पायदान पर हैं पढ़ाई की दृष्टि में। फिजिकल पास करके रिटर्न पे बैठेंगे, फिर वहाँ की जो अपने रिजल्ट देखी, फिर हमको पता चला कि हम कहाँ हैं। फिर जबरदस्ती जब हम बोलते थे कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हमारे और भी साथी थे जो कहते हैं हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो अकेडमी ने हमारे लिए ऑनलाइन क्लास भी शुरू की। और जब अब ऑफलाइन क्लास की जरूरत है, आज हमारे पास 3-3 टीचर हैं जो हर सब्जेक्ट को कवर करके हमें बेसिक तैयारी। तो मैं जो चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर बात हुआ कि कहाँ मैंने कभी मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के लिए बोला कि नहीं 2-2 घंटे खड़े रहिए यहाँ पर, नंगे हो जाइए यहाँ पर, आप कर दीजिए यहाँ पर। नंगे होने से मेरे को ये याद आया कि यहाँ पर पृथ्वी डिफेंस अकेडमी जो है वो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या दे देता है, थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले एक जरूरी रनिंग के लिए शूज, सबसे पहले वो हमें मिलता है। सेगा का शूज है? यस सर। अच्छा, ओके ओके, सेगा सर हम पहने हैं जो। और उसके बाद पहनने के लिए एक नेकर, उसके ऊपर एक टी शर्ट, एक भी मतलब पीटी बनियान, एक पीटी किट हो गया ये जो बनियान और ये सेट। उसके अलावा ट्रैक सूट पूरा मिलता है, एक बैग जो हमारे पर्सनल यूज के लिए होती है, जिसमें हम पढ़ाई के लिए बुक पानी जो कुछ भी हमको जरूरत है वो सब हिदायतें यहाँ पर, वो तो हिदायतें हैं। देखिए एक भाई, मैं फौजी हूँ, कोई फर्जी आदमी नहीं हूँ कि बस इंटरनेट पे कुछ ना कुछ वायरल करना है। तो फौजी हूँ तो फौजी के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर, क्योंकि मेरे जो उस्ताद लोग थे या मेरे जो सीनियर या मेरे जो अधिकारीगण थे वहाँ पर, हमको बिठा कर पानी पिलाते थे कि बैठो यहाँ पर पानी पलट करेंगे आज आपका। तो मैंने बोला कि भाई हमारा भी पानी, तो मैंने खुद का पानी पलट हुआ कि भाई चलो डिहाइड्रेशन हो जाता है वहाँ पर, डिहाइड्रेशन हो जाता है, चलो आप इनका करवाता हूँ बच्चों का। मेरे से अधिकारियों ने मेरे से कराया, मेरे जो सीनियर्स थे मेरे जो गुरु थे उन लोगों ने मुझसे कराया, तो मैं दूसरों को दूंगा। अच्छी सिखलाई जो होती है वो बांटनी चाहिए वहाँ पर। एक या दो भर्ती फेल होकर मैंने अकेडमी नहीं खोली, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है मुझे। एक दो भर्ती फेल होकर नहीं, पूरा सब कुछ करने के बाद अकेडमी खोला यहाँ पर। और एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं,
एक एक भर्ती में जा रहा है तो सब जगह वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा वहाँ पर। तो मैं लास्ट में आपसे चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ग्राउंड वाउंड के बारे में, जो बाकी और भी इन्फॉर्मेशन है रहने खाने के बारे में, थोड़ा सा मुझे जरूर बताएं। हम वीडियो मुझे नहीं, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो रात दिन यहीं पर रह रहा हूँ और सोता भी यहीं पर हूँ, मगर आप जो आने वाले जो छात्र हैं उन्हें जरूर बताएं। बिल्कुल, मैं अपने जो साथी हैं, इन साथियों के साथ में जो मेरे जो छात्र हैं कमांडो छात्र, इनके साथ में हमारा ग्राउंड को घूम लेता हूं यहां पर और देखते हैं यहां पर कि सबसे पहले हम यहां पर जब ये उठते हैं तो सबसे एक एक जो टीम है, मतलब एक कंपनी कहें वहाँ पर, जो भारतीय सेना में कंपनी कहा जाता है, तो एक कंपनी वहाँ पर सर्वधर्म स्थल के पास में आ जाती है वहाँ पर और आरती वगैरह होता है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिजियोथेरेपी रूम, जिसमें मैं खुद रहता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपका फिजियोथेरेपी रूम से मतलब संबंध है कि आपको जो शिन पेन है या जो भी आपको जो भी पेन वगैरह है, उस पेन की मैं आपको रिलीफ के लिए कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ वहाँ पर। कोई ठीक नहीं कर देता, मैं आपको रिलीफ के लिए एक्सरसाइज बताता हूँ वहाँ पर। ये सही बात है, मैं आपको जब भी मिला होगा तो रिलीफ के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा। मैं एकदम गायब नहीं किया होगा वहाँ पर, और ना किसी के अंदर ताकत है वो चीज़ गायब कर सके वहाँ पर। ये 5 एक्सरसाइज कर लो, ये मार लो, वो कर लो, 4:40 आ जाएगा, 4:20 आ जाएगा, 4:10 आ जाएगा। ऐसा होता भाई साहब तो वो दुकान मैं भी खोलता। कहाँ जाकर, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाकर। तो ठीक है, तो ये यहाँ घातक हेयर सैलून, जो कि बच्चे बाहर ना जाएं और बाहर से जितना भी उन्हें कम प्राइस में, जितनी भी कम प्राइस लेते हैं कि भैया, वीडियो में बोलने के लिए वाली बात है, नहीं सही बात है, पानी की तरह रेट लेते हैं सर, पानी की तरह रेट नहीं। जो सुविधाएं बाहर हमें महंगी मिलती है, वो सारी सुविधाएं हमको पास में और उससे कम रेट में मिलती है। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, आप यदि वीडियो भी जाते हैं और वीडियो भी देखते हैं तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो वहाँ पर ये 2800 रुपये में या पहले 2500 रुपये में दी जाती थी वहाँ पर। कई लोग बोलते हैं कि हमें तुम्हें गवर्नमेंट से कहीं पैसा मिल रहा होगा, भैया तुम्हें मोदी शोदी दे रहे होंगे वहाँ पर भैया। जब भी मैंने मोदी जी बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल एकदम धन बरसा रहे होंगे वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कोई किसी के लिए वहाँ पर नहीं है। उन्हें उनके खाने से फुर्सत मिल जाए, हमारे जैसे अग्निवीर हमारे इसमें पछड़ा डालते रहते हैं वो लोग, जो डाल दिया है हमारे दिमाग में अभी तो क्या बताएं वो। चलो, और ये है हमारी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD, और साथ में है वहाँ पे आगे फौजी ढाबा रेस्टोरेंट और आगे मिल्खा दूध डेयरी। मिल्खा जी जो हैं, स्वर्गीय मिल्खा जी जो हैं, दूध 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 करते हुए वो क्रॉस कंट्री के लिए भागे थे, तो हमने हमारे जो दूध डेयरी है उसका नाम भी यहाँ पे मिल्खा दूध डेयरी रखा हुआ है। और ये सारी जो चीज़ आप जो सामने दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये कोई वीडियो शूडियो के लिए दौड़ने के लिए नहीं हुआ है यहाँ पर। और मैंने एक पहले से ही गारंटी दिया था कि हम कभी भी कोई चीज़ करेंगे यहाँ पर, वीडियो शीडियो करेंगे यहाँ पर, तो किसी का समय खराब तो करते ना हो करेंगे। इन्हें पता है कि यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होने के बाद में यहाँ पर कर दिया जाएगा कुछ ना कुछ हमारे साथ में से, इन्हें बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर। तो ये ग्राउंड है यहाँ पर, और सेम जो यहाँ से लेकर आगे से लेकर सर्वधर्म स्थल से लेकर लास्ट तक वहाँ पर हमारा जिम है और हमारा मेन गेट। अब मेन गेट पर आपको एक छोटा सा क्लिप जरूर मैं कल्याण सर से बोलूँगा, कल्याण सर एक क्लिप जरूर लगा दे आगे जाकर वहाँ पर, कि हमारा वहाँ पे ध्येय वाक्य दिखा दे के वहाँ पर जितना रगड़ा उतना रगड़ा, वो तो ऑलवेज हम रहेगा यहाँ पर। और एक चीज यहाँ पर एक ही फैशन है यहाँ पर, क्या फैशन है वो, दौड़ना ही फैशन है, हमेशा दौड़ना ही यहाँ पर फैशन रहेगा। और मैं ये नहीं, कहीं पे भी जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा वहाँ पर, जो बंदा यहाँ पर आया है एक बार जो आया है वो डेफिनेटली यहाँ पर उसके लिए दौड़ना ही फैशन है यहाँ पर। और आप वाकई में वर्दी चाहते हैं तो पृथ्वी डिफेंस अकेडमी जरूर ज्वाइन करें। ये एक ऐसी सीरियस संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी वहाँ पर। आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आप किसी भी चीज़ में कमज़ोर हैं, मैंने हमारे यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट हम डालते रहते हैं, शुरू से डालते रहते हैं, और आज भी हम डाल देंगे यहाँ पर जिस वक्त ये वीडियो मेरी यहाँ पर हो रही है, आज भी हम डालेंगे कि यहाँ पर हर एक बच्चे को चैम्पियन बनाना है। ये हमेशा बोलता हूँ मैं कि हर एक बच्चे को चैम्पियन बनाना है, ये नहीं कि आगे वाला भाग रहा है उससे हमारा काम हो जाएगा, नहीं। मऊ भर्ती रैली देख लीजिए, सभी लोग बोल देते हैं उठाकर, ये अपना जो YouTube पर Instagram पर अकाउंट बड़ा हो चुका है उनका किसी का, तो कुछ भी उठा के बोल देते हैं कि हमारे इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे पास हुए। ग्राउंड पे दिखाना होता है, और हमने ग्राउंड पे हर एक बच्चे को फोटो दिखाया हमारा। Instagram पर हमारी 3000 पोस्ट हैं, उस 3000 पोस्ट में आप देखेंगे कि सारे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं वहाँ पर। यस सर, और हमने वीडियोज़ भी हैं बट उसमें अधिकतर आपको सिलेक्शन वाले बच्चों की वहाँ पर फोटोज़ मिलेंगी वहाँ पर। क्यों ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति सीरियस है और अपने काम के प्रति सीरियस है तो उसे रिजल्ट मिलता है। ऐसा मुझे ये ऊपर वाला कहीं ना कहीं, हम जब उनसे बात करते हैं वहाँ पर कि हाँ मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो बोलते हैं अरे क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हारा वाक्य है भाई जितना रगड़ा उतना तगड़ा, रगड़ते रहता है
तगड़े तो रिजल्ट आएंगे आएंगे वहाँ पर। तो आपसे भी चाहता हूँ वहाँ पर और एक मैसेज जो कि पूरा मुझे लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ पार्टी आपके लिए एक मैसेज देना चाहता है, जो छत्तीसगढ़ से आना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज। और जब हम कहीं भी तैयारी करें कुछ भी चीज़ के ऊपर जाते हैं तो हमारा सबसे सबसे ज़्यादा जरूरी बसत के होते हैं कि हम कैसे भी करें कुछ भी करें लेकिन सफलता पाना है। यहाँ जब हम एकेडमी आए तो हम लोग बस एक ही चीज़ बोले रहे, हमारे लिए एक ही लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ये जो वाक्य है यही बस हम फोकस करें कि पूर्ण रूप से सर मन हमला हमें सब प्रतिबद्ध करा रही है। वाह, यहाँ अपन एल दिखावा धावक पैदा नहीं हो, यहाँ धावक बनाए जाते, यहाँ जीरो से हीरो बनाए जाते। हम उनके माहौल ही ऐसे हवा इंडियन आर्मी जैसे, अब हम गांव में तैयारी करने तो लगा कि दौड़ दर्ब के लेकिन नहीं हो पात्री से रोड में दौड़न काबर की तो रोड के दौड़ है रोडे से ही हो जावा रोड से ही ख्या जन लेकिन नहीं होते टाइमिंग का। जब यहाँ आए हमारे एकेडमी में तब हम लगी सवा कि हमन के रनिंग ऐसे अभी पहले हम आ रहे हैं तो हमन के 6:30 जावा है और अभी आए तो 5:30 में एदे अटके हैं और मारबो एक्सीलेंट रायपुर में जाके दो तारीख के देख लिया दोस्तों फोटो मन ला ढूंढ के भोजन लगी पूरा 4 तारीख को। ओके, जय हिंद।